तो ये है हमारे अब 27वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन, जो कि टिकारी में दुर्गा माता विराजमान है और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं हमारे 27वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन और यहाँ पर माता रानी बहुत ही सौम्य स्वरूप में विराजित है, बहुत ही अद्भुत रूप में विराजित है। आप भी जरूर दर्शन करने के लिए आए। तो दोस्तों 51 दुर्गा पंडालों की सीरीज में अभी तक हमारे 27 दुर्गा पंडालों के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें टोटल 23 दुर्गा पंडालों के दर्शन और करना है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और बहुत ही रोमांचक सफर है। अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुका है और हमने ये जर्नी की शुरुआत करी थी 6 बजे से, तो 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे में हमने 27 दुर्गा पंडालों के दर्शन कर लिए हैं और 23 दुर्गा पंडालों के दर्शन अब करने बाकी है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं टिकारी में 28वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है बहुत ही सुंदर स्वरूप में। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं हमारे 29वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर आप टिकारी में ही दर्शन कर सकते हैं हमारे 29वें दुर्गा माता के दर्शन, जो कि बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में आप देख सकते हैं माता यहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों 29 दुर्गा पंडाल के दर्शन हमारे हो चुके हैं और अब हम करने वाले 30वें दुर्गा पंडाल के दर्शन। आप देख सकते हैं ये है हमारे 30वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन। 51 दुर्गा पंडालों की सीरीज में हमने 30 दुर्गा पंडाल के दर्शन पूर्ण कर लिए हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे हमारे 31वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन, जो कि सामने ही आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकाली माता विराजमान है। तो ये आप कर रहे हैं 31वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन, जो कि टिकारी में महाकाली माता के स्वरूप में विराजित। दोस्तों अभी हमारे 31 दुर्गा पंडालों के दर्शन पूर्ण हो चुके हैं, अब हम यहाँ से चल रहे हैं 32वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि टिकारी में ही विराजित है और टिकारी में सबसे ज़्यादा दुर्गा माता विराजमान हुई है। तो ये हम आ गए हमारे 32वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए। तो दोस्तों टिकारी के साई प्रीति मंडल में आप कर रहे हैं बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान माँ भगवती दुर्गा के दर्शन और साथ में ही यहाँ पर साई बाबा भी विराजित है, जो कि हमारे 32वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन आप कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कर रहे हैं 33वें नंबर के दुर्गा माता के दर्शन, 33वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन। टिकारी में ही हनुमान मंदिर के पास आप अभी कर रहे हैं हमारे 33वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन। चलते हैं अगले पंडाल की तरफ। कर रहे हैं 34वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन। 51 दुर्गा पंडालों की सीरीज में ये हमारे 34वें नंबर के दुर्गा माता के दर्शन होने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम हमारा जो सीरीज है उसको पूर्ण कर लेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी आप कर रहे हैं टिकारी की जगदम्बा के दर्शन, जो कि मेघनाथ चौक पर जहां पर मेघनाथ मेला लगता है वहां पर विराजमान है हनुमान मंदिर के पीछे में, और बहुत ही सुंदर स्वरूप में आप यहां पर माता के दर्शन कर रहे हैं। चलते हैं अगले पंडाल की ओर। तो आइए दोस्तों अब आपको 35वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन कराते हैं, बहुत ही अद्भुत स्वरूप में टिकारी में विराजित है। तो दोस्तों आप कर रहे हैं 35वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्वरूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान है। तो दोस्तों अभी आप कर रहे हैं 36वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन, जो कि टिकारी में ही विराजित है और बहुत ही अद्भुत स्वरूप में अर्धनारीश्वर स्वरूप में यहाँ पर विराजित है। तो दोस्तों 36वें नंबर पर हम दर्शन कर रहे हैं टिकारी वाली महाकाली माता के पहले में जो पंडाल बना हुआ है वहाँ के। चलते हैं अगले पंडाल की ओर। तो दोस्तों आइए अब हम करते हैं हमारे अगले मतलब 37वें नंबर के पंडाल के दर्शन, जो कि है कारगिल चौक पर विराजित और कारगिल चौक की महारानी के दर्शन आप कर रहे हैं। ये है हमारे 37वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन। चलते हैं अगले पंडाल की ओर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं 38वें नंबर के हमारे दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए और ये जो दुर्गा पंडाल है ये है VVM कॉलेज के बाजू में सदर बैल बाजार जहाँ पर लगता है वहाँ पर ग्राउंड में बहुत ही सुंदर स्वरूप में माता विराजमान है। पहुँच गए हमारे 39वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए, जो कि आप दर्शन कर सकते हैं सदर ब्रिज के पास में बैल बाजार के सामने। तो दोस्तों आप कर रहे हैं हमारे 39वें नंबर के पंडाल के दर्शन, यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वरूप में पहाड़ों पर माता विराजित है और ये दर्शन आप कर सकते हैं सदर के ब्रिज के पास में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं 40वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन करने के लिए और ये है पंचमुखी शिव मंदिर सदर के पास में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 40वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन हम कर रहे हैं। माँ भगवती दुर्गा यहाँ पर शेर पर सवार होकर विराजमान है, यह दर्शन आप कर सकते हैं सदर में।
अभी मैं पहुंचा हूं मुठिया देव शिव मंदिर, जहां पर दुर्गा माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजित है। और ये हमारे 41वें नंबर के दुर्गा पंडाल का दर्शन है, जो कि आप अभी कर पा रहे हैं। तो 41वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा बनाई गई है, जिसके अंदर आप जाकर माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ मंदिर में बहुत ही सुंदर स्वरूप में माता विराजित है। अभी आरती चल रही है, तो हमने आरती भी अटेंड करी, और आरती अटेंड करने के बाद हम निकलते हैं अगले पंडाल की तरफ। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ सदर में, और सदर में हम करेंगे अब 42वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन, जो कि बहुत ही अद्भुत स्वरूप में यहाँ पर बना हुआ है और बहुत ही भव्य वहाँ पर बना हुआ है। तो आइए आपको कराता हूँ 42वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन। तो दोस्तों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं 42वें नंबर के दुर्गा पंडाल के, और यहाँ पर 9 चैतन्य देवियों की झांकियाँ हैं, जो कि 25-25 मिनट का यहाँ पर एक शो टाइप होता है, बहुत ही अद्भुत स्वरूप में। दोस्तों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं 43वें नंबर के दुर्गा पंडाल के, यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है। जय भोले समिति गेंदा चौक, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदी पर भोले बाबा विराजित है। और अब यहीं से हम चलते हैं सदर में ही हमारे अगले पंडाल की तरफ। तो गेंदा चौक सदर में यह है 44वें नंबर का दुर्गा पंडाल, जिसके दर्शन अभी आप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर स्वरूप में माता शेर पर विराजमान है। आप कर रहे हैं 45वें नंबर के पंडाल के दर्शन, जो कि सदर में विराजित है। तो दोस्तों, अभी आप कर रहे हैं 45वें नंबर के पंडाल के दर्शन, यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, और हमारे 45 दुर्गा पंडाल पूर्ण हो चुके हैं। हम निकले थे 6:30 बजे से, लगभग 2 से 2.5 घंटे हमारे हो चुके हैं, और हमें अभी 6 दुर्गा पंडाल और दर्शन करने हैं। कर रहे हैं 46वें नंबर के पंडाल के दर्शन, जो कि सदर में ही विराजित है, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्वरूप में साईं बाबा की प्रतिमा विराजित की गई है। तो ये हमारे 47वें नंबर के दुर्गा पंडाल के दर्शन, जो कि मैकेनिक चौक पर विराजित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है, ये गुफा टाइप बनाई है, इसमें से आपको अंदर आना होता है। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, और जो थीम है वो जंगल की थीम आपको नजर आ रही होगी। माता बीचों बीच विराजमान है, एक पेड़ पर गणेश जी भी विराजित है, सिंह बाबा बैठे हुए हैं, और साथ में बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है माता के साथ में। तो अगले चलते हैं अगले पंडाल की तरफ। तो दोस्तों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं 48वें नंबर के दुर्गा पंडाल के, जो कि गंज में कांति शिवा टॉकेज के सामने विराजित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया गया है, और माता रानी बहुत ही सौम्य रूप में यहाँ पर विराजमान है, 2 शेर है साथ में, और बहुत ही अद्भुत स्वरूप यहाँ पर आपको माता का दर्शन करने के लिए मिलता है। दर्शन कर रहे हैं हमारे 49वें पंडाल के, और 51 पंडालों के सीरीज में हम बस कुछ ही कदम की दूरी पर है, और 51 दुर्गा पंडालों के दर्शन हमारे पूर्ण होंगे। और अभी आप दर्शन कर रहे हैं गंज में गोटी मार्केट के केदारनाथ धाम में स्थित दुर्गा पंडाल के दुर्गा माता के। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने 51 दुर्गा पंडालों के दर्शन की एक सीरीज शुरू की थी, जो कि बस पूर्ण होने में ही है। अभी हम हमारे 50वें दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। दुर्गा पंडाल के इस दर्शन सीरीज के अब हम केवल एक कदम दूरी पर है, और मात्र एक और दुर्गा पंडाल के हम दर्शन करेंगे, और हमारे 51 दुर्गा पंडालों के दर्शन का ये जो सीरीज है ये पूर्ण होगी। हमने इसकी शुरुआत करी थी 6:30 बजे, और अभी बज रहे हैं यहाँ पर 9:05 हो रहा है, आप देख सकते हैं। और मात्र 3 घंटे में हमने बैतूल शहर के 51 दुर्गा पंडालों के दर्शन कर लिए हैं। 51वें दुर्गा पंडाल के दर्शन के लिए हम पहुँचे हैं माँ भगवती टिकारी वाली महाकाली माता, बैतूल की महारानी नगर सेठानी माई भगवती महाकाली के दरबार में। और ये 51वें नंबर पर हम दर्शन कर रहे हैं माता महाकाली के, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और माता महाकाली के दर्शन के साथ हमारे इस बहुत ही अद्भुत सीरीज का यहाँ पर विराम होता है। मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बैतूल शहर के 51 दुर्गा पंडालों के दर्शन कराए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में माता के 51 शक्तिपीठों की पूजा की जाती है, और आज
इस वीडियो के माध्यम से नवरात्र के पावन अवसर पर मैं आप सभी को 51 शक्तिपीठों के तो नहीं लेकिन हाँ हमारे बैतूल में विराजित 51 दुर्गा पंडालों के दर्शन करा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप 51 शक्तिपीठों के दर्शन का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं आपको यह वीडियो समर्पित करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।